जिंदगी का बादशाह, जिंदगी का बादशाह आने वाला है। जागो सोने वालों, यीशु आने वाला है। जागो सोने वालों, यीशु आने वाला है। जिंदगी का बादशाह, जिंदगी का बादशाह आने वाला है। जागो सोने वालों, यीशु आने वाला है। जागो सोने वालों, यीशु आने वाला है। मेले दामन खून से जब धुल जाएंगे, मेले दामन खून से जब धुल जाएंगे, उसका इस्तकबाल तो जीवन पाएंगे। इस्तकबाल तो जीवन पाएंगे। चरणी में यीशु राजा, चरणी में यीशु राजा आने वाला है। जागो सोने वालों, यीशु आने वाला है। जागो सोने वालों, यीशु आने वाला है। जिंदगी का बादशाह, जिंदगी का बादशाह आने वाला है। जागो सोने वालों, यीशु आने वाला है। जागो सोने वालों, यीशु आने वाला है। सोने वालों जाग उठो नींद से बेहाल, सोने वालों जाग उठो नींद से बेहाल। प्यारा यीशु सोने वालों, यीशु आने वाला है। जागो सोने वालों, यीशु आने वाला है। जिंदगी का बादशाह, जिंदगी का बादशाह आने वाला है। जागो सोने वालों, यीशु आने वाला है। जागो सोने वालों, यीशु आने वाला है। आओ असी अपने अखां बंद करी हथां जोड़िए, असी सारे मिल के खुदा दे अगे प्रार्थना करांगे। वेखो प्रभु अपने पाक लोगां नाल आवेगा, उस दिन एक वड्डा चानण चमकेगा। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नां उते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फसल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारिआं दे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ भैणो अते बच्चो, आओ असी सानू मिलिआ सारिआं आशा अते बरकतां दे लई खुदा दा धन्नवाद करिए। उस महान अते दयालु खुदा ने अज दे दिन सानू बख्शिआ अते खुदा दे हजूरी विच आउण दे लई सानू वरदान दित्ता है। असी आमन दा समा विच दाखल होया है। आमन दा मतलब यही है कि असी साडे मुक्तिदाता नूं स्वीकार करन दे लई उडीक दे समा है, तैयारियां करन दा समा है। असी हर साल पाकमा कलिसिया सानू ये समा देंदा है, तैयारियां दा समा। बल्कि जदों असी प्रभु नूं स्वीकार करन दे लई अपने आप नूं तैयार कहिंदा है, सानू याद रखना प्रभु आउंदा है साडे दिलां विच आउण दे लई। अगर खुदा सानू योग नहीं मिलदा है, उह साडे दिलां विच नहीं आउणगे। इस लई जदों असी उह प्रभु दे लई उड़ीकदा रहिंदा है, असी अपने जिंदगी नूं अपने आप नूं तैयार करना जरूरी है। तैयारियां मतलब यही है, असी अपने गलतियां गुनाहां दे लई पछतावा करना है। आओ असी साडे मुक्तिदाता कोलों वरदान मंगिए। ये प्रभु सानू आश ते बरकत देवो, साडे मुक्तिदाता नू साडे दिलां विच स्वीकार करन दे लई
सानू वरदान देवो, सानू वरदान देवो अपने गलतियां गुनाहां दे लई पछतावा करन दे लई, तां कि असी साडे मसीहा नू योग ढंग नाल स्वीकार कर सकन। आओ असी अपने अखां नू बंद करिए, हथां जोड़िए, किते होए सारे गलतियां गुनाहां नू चेते करिए, प्रभु येसु मसीह कोलों साडे भैणां भरावां कोलों माफ़ी मंगिए। मैं एक बाल कर दा पूरी कुदरत वाली खुदा ती पैड़ा प्रमाण दिया की कुदरत वाला खुदा साडे उते दया करे अते साडे गुनाहां माफ करके सानू सदी भी जीवन तक पहुंच जावे। आमीन। ए प्रभु दया करो, ए प्रभु असी प्रार्थना करिए। ए प्रभु साडे खुदा, साडे दिलां नू अपनी इलाही शक्ति नाल तैयार कर, तां जो मसीह तेरे बेटे दे आउण उते असी सदीवी जीवन दे पोज दे लई योग ठहराई जाइए, अते उसते हत्थां विचों सुरगीय खुराक हासिल करन दे लायक बन जाइए। साडे प्रभु येसु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूपाकती एकदा विच इक खुदा जीवंदा अते राज करदा है सदा तोम सदा तीकर। अमीन। अज दा पाठ यशाया नबी दा ग्रंथ उसका 25 बाप 6 आयत तो लैके 10 आयत तक। सियोन पहाड़ उत्ते सर्व शक्तिमान प्रभु संसार दियां कौमां लई भोज तैयार करेगा। वह भोज स्वादी भोजन अते सब तो चंगी ताकसार दा होवेगा। इत्थे ओ अचानक सब कौमां उत्ते होए दुख दे बदल नूं दूर करेगा। सर्व शक्तिमान प्रभु आप मौत दा नाश करेगा। उस सब दियां अखां दे अथरू पूंजेगा अते उस अपमान नूं दूर करेगा जो उस दे लोक संसार पर विच सह रहे हन। ए प्रभु दा अपना किहा वचन है। जदों ये वापरेगा तो हर कोई कहेगा वह साडा परमेशर है, असी अपना भरोसा उस उत्ते रखिया है अते उसने साडा बचा किता है। वो ही प्रभु है
असी अपना भरोसा उस उत्ते रखिया है अते हुण असी खुश हाँ क्योंकि उसने साडा बचा किया है। प्रभु सियोन पहाड़ की रक्षा करेगा पर मुआब दे लोग उस तरह पैरां हेठ मिधे जाणगे जिस तरह गारे विच तूड़ी मिधी जाती है। ये प्रभु की पाक बाणी है। खुदा दा धन्नवाद होवे। पुकारदा हाँ खुदावंद नूं बुलंद आवाज दिनार पुकारदा बाइबल दियां मिठियां आयतां लिखियां मेरे दिल ते लिखियां मेरे दिल ते लिखियां मेरे दिल ते अखियां वाले पढ़ ही लैंदे हो जांदे जो नेड़े हो जांदे जो नेड़े हो जांदे जो नेड़े कर प्यार दुश्मनां नूं बाइबल सिखलांदी करो प्यार दुश्मना बाइबल सिखलांदी ताइयों ता जान मेरी ताइयों ता जान मेरी सना रब दी गौंदी बाइबल चो मोहब्बतांदी मैनू खुशबू आंदी बाइबल चो मोहब्बतांदी मैनू खुशबू आंदी। प्रभु तुहाडे सारयां दे नाल होवे अते तुहाडी नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील दा संत मत्ती दे अनुसार तेरी वडियाई होवे ऐ प्रभु। आओ असीं अपनियां अखां नूं बंद करिए अते ध्यान नाल खुदा दा वचन सुणी। प्रभु येशु बहुत सारे लोगां नूं चंगा करदे हन। फिर येशु तुम गलील झील दे कंडे वल चले गए और उत्ते एक पहाड़ ते चढ़ गए। उत्ते उन्हां कोल एक बहुत वड्डी पीड़ लुलिया अन्या अते कई तरह के बीमारां नूं अपने नाल लेके आई। पीड़ ने बीमारां नूं यीशु दे चरणां विच रख दिता अते उन्हां ने बीमारां नूं राजी कर दिता। लोगां ने जदों गूंगियां नूं बोलदे लुलिया नूं चंगे हुंदे लंगड़ियां नूं तुरदे अते अन्यां नूं वेखदियां देखिया तां उह हैरान रह गए। उह इस लई इसराइल दे परमेश्वर दी वडियाई करन लगे। येशु ने अपने चेलियां नूं खोल सदिया अते कहा मैनूं इन्हां लोगां उत्ते तरस आ रहा है। तिन्नां दिनां तों ये लोग मेरे नाल हन अते हुण इन्हां कोल खाण लई कुछ नहीं रहा है। मैं इन्हां नूं खा ली पेट करां नूं नहीं कलना चाहुंदा हाँ। इस तरह हो सकदा है कि उह राह विच ही
निडाल हो जाण। चेलिया ने यीशु नूं उत्तर दिता, असी इस उजाड़ थां विच इस पीड़ नूं रजाउण लई कित्थों भोजन लभीए। यीशु ने पूछिया, तुहाडे कोल किन्नियां रोटियां हन? उन्होंने उत्तर दिता, 7 रोटियां अते कुछ छोटियां मच्छियां हन। फिर यीशु ने लोगों नूं आग्या दिती कि वह जमीन उत्ते बैठ जाण। इसके पिछों यीशु ने 7 रोटियां अते मच्छियां नूं लिया। उन्होंने इन्हां लई परमेश्वर का धन्यवाद किया अते तोड़ के चेलियां नूं देण लगे अते चेले लोगों नूं। सब लोगों ने रज के भोजन किया, इतों तक कि वह चेलियां नूं बचे टुकड़ियां दे परे होए 7 टोकरे भी चुके। प्रभु येसु मसीह दी पवित्र अंजील। तेरी महिमा होवे ए मसीहा। प्रभु येसु मसीह विच मेरे प्यारे भराओ भैणों ते बच्चियो, असी सारे खुदा दे हजूरी विच आया है खुदा दे धन्यवाद ते वडियाई करन दे लई, सारिया बरकतां दे लई। खुदा ने सानू एक होर नवा दिन बख्शिया है, आओ असी सारिया बरकतां दे लई खुदा दा महिमा करिए, खुदा दा धन्यवाद करिए, तांगी ओ खुदा सानू होर भी आशीषां ते बरकतां नाल मालामाल करनगे। अज दे पहले पाठ विच असी सुनिया यशायाह नबी दे ग्रंथ विचों, उहदा 25 बाब 6 तों लेके, जिते खुदा अपने नबी दे राही अपने लोगां दे अगे वायदा करदा है। सानू पता है यशायाह नबी अजिहा एक लोगां कोल कले गए सन जो लोग खुदा दे अगे रो के प्रार्थना किया अते खुदा दे अगे ये मेहनत किया कि एक मसीहा नूं कलण दे लई। असी वेखदे किस तरह अजिहा लोगां विचकार एक नबी आउंदा है। इसराइली कौम दे इतिहास विच असी वेखदे हाँ किस तरह खुदा ने नबियां नूं कलदा रहा अते जदों नबी चले जाण दे बाद फिर लोग पाप करदे हन, जदों लोग पाप विच डुब जांदे हन खुदा फिर अपने नबियां नूं लोगां दे विचकार कलदा है लोगों नूं वापस बुलाउण दे लई। असी वेखदे हाँ किस तरह वक् वक् नबियां ने आया है। खुदा दे चुने होए कौम इसराइली कौम नूं वापस बुलाउण दे लई अज असी सुणदे हाँ यशायाह नबी दे राही खुदा अपने लोगों दे अगे ये वायदा करदा है। किस तरह खुदा अपने लोगों नूं सियोन पहाड़ उत्ते इकट्ठे करांगे। असी सुनिया जो वचन सान कहिंदा है, सियोन पहाड़ उत्ते सर्वशक्तिमान प्रभु संसार दिया कौमां लई भोज तैयार करेगा। वह भोज स्वादी भोजन अते सब तो चंगी दाखसार दा होवेगा। प्रभु सान कहिंदा है अपने नबी दे राही कि खुदा अपने लोगों दे लई एक भोजन तैयार करेगा। खुदा अपने लोगों नूं संसार दे वक् वक् कोणां तों एक बार फिर इकट्ठे करेगा। असी वेखदे हाँ किस तरह इसराइली कौम चाहिदा है वह सारे पहले जैसे मतलब दाऊद राजा दे समां विच असी वेखदे हाँ पवित्र बाइबल चों पढ़दे हाँ किस तरह इसराइली कौम एकदा विच रहा। इसलिए एक बार फिर खुदा कहिंदा है मैं अपने लोगों नूं अजिहा इकट्ठे करेगा ठीक जिस तरह इसराइली लोग चाहिदा है। अते प्रभु कहिंदा है जदों प्रभु अपने लोगों नूं सियोन पहाड़ उत्ते इकट्ठे करेगा उत्ते की होने वाला है। इत्थे वह अचानक सब कौमां उत्ते होए दुख दे बदल नूं दूर करेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु आप मौत दा नाश करेगा, वह सब दियां अक्खां दे अदरू पुछेगा अते उस अपमान नूं दूर करेगा जो उस दे लोगां संसार पर विच सह रहे सन। प्रभु कहिंदा है वह उन्हां दे अपने लोगों दे जिंदगी तों हर तरह दे दुख तकलीफां नूं परेशानियां नूं बीमारियां नूं दूर करनगे। प्रभु कहिंदा है वह मौत नूं दूर करेगा अते सियोन पहाड़ उत्ते कोई नहीं रोणगे क्योंकि प्रभु ने मौत नूं खत्म करेगा। अते प्रभु सानूं होर भी चंगे चीज़ां नूं आखदा है किस तरह खुदा सियोन पहाड़ दे बारे कहिंदा है ये सब गल उत्ते होणगे।
मसीह विच मेरे प्यारियो सचमुच जो खुदा यशायाह नबी दे राही वायदा किया है वो सब असी वेखते हाँ जिस तरह पाकमा कलिसिया विच पूरिया होया है। खुदा अपने लोगों नू संसार दे वक वक कोणियां तो इकट्ठे किया है। खुदा दे चुने हुए को अज दे अंजील विच असी सुने संत मत्ती दे अंजील उहदा 15 बाब किस तरह खुदा कहिंदा है जो चीज़ां खुदा यशायाह नबी दे राही वायदा किया है वो सब यीशु मसीह दे राही पूरिया हुंदा है। असी सुने जिस तरह यशायाह नबी दे राही खुदा ये वायदा किया कि वह अपने लोगों नू इकट्ठे करेगा, उन्हां दे दुख तकलीफा नू दूर करेगा, उन्हां दे बीमारियां नू दूर करेगा। असी पढ़ते हाँ संत मत्ती दी अंजील उहदा 15 बाब 30 असी पढ़ते हाँ जिते वचन कहिंदा है उत्ते उन्हां कोल एक बहुत वड्डी भीड़ लूलियां अन्या अते कई तरह दे बीमारां नू अपने नाल लेके आई। भीड़ ने बीमारां नू यीशु दे चरणां विच रख दिता अते उन्हां ने बीमारां नू राजी कर दिता। असी वेखदे हां खुदा परमेश्वर जो अपने नबी दे राही वायदा किया है यीशु मसीह दे राही वह सारे पूरिया हुंदा है। खुदा अपने लोगों नू उन्हां दे बीमारियां तो चंगा किया है। आओ असी उस खुदा दा धन्यवाद करिए, खुदा दी वडियाई करिए, खुदा दी महिमा करिए जो सानू बचाउण दे ले आया, सानू आशा ते बरकतां लेके आया है। अगे असी सुनिया जिस तरह प्रभु येशु 5000 लोगों नू रोटी रजाउंदा है। असी सुनिया बहुत सारे लोग प्रभु दा वजन सुन दे ले आया। असी पवित्र बाइबल तो यह पढ़ता है 3 दिन लगातार वह प्रभु दे नाल रहा, वजन सुनिया अते उन्हें उन्होंने भुख लगिया। तो प्रभु येशु यह नहीं चाहिदा है कि इन्हां लोगों नू भुके अपने घरां विच वापस जाण दे लई, इसलिए प्रभु येशु अपने रसूलां नू कहिंदा है तुसी उन्हां नू खाण दे लई रोटी देवो। बल्कि असी वेखदे हाँ उजाड़ता है अते रसूलां नू पहले पता नहीं लगा वो की करना है। बाद विच असी सुने जो उन्हां 7 रोटियां अते कुछ छोटी मच्छियां हन वह लेके आउंदा है। प्रभु येशु उन्हां उत्ते बरकत देंदा है अते वह लोगों नू खाण दे लई देंदा है। मसीह विच मेरे प्यारियो आओ असी भी वह खुदा दे अगे प्रार्थना करिए, खुदा सानू बहुत सारिया बरकतां देवे। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम ते तन मन धन सब अर्पित है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाई है ग्रहण करो ही प्रभु। तन मन धन सब अर्पित है तव चरणों में प्रभु, जीवन अपना प्रभु। दाकर सरों
प्राओ ते पैणो प्रार्थना करो कि मेरी अते तुहाड़ी ये कुर्बानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप नु कबूल होवे। प्रभु इस कुर्बानी नु तुहाड़े हथां दे विचों आपने नाम दी उस्तत अते वडियाई ले साडे अते सारी पाक कलीसिया दी भली लई कबूल करे। ए प्रभु असी ए बेनती करदे हां कि साडी बंदगी दी ए कुर्बानी तेनु लगातार चढ़ाई जावे तां जो इलाही भेद विच शुरू होया कम मुकमल हो जावे अते साडे लई तेरे नजात बख्शण वाले कम नु शक्तिशाली ढंग नाल पूरा करे साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही। आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। तुसी अपने दिल प्रभु वल लगाओ। असी अपने दिल प्रभु वल लगाउंदी हां। असी अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए। ए सही अति योग है। ए प्रभु पवित्र मां पूरी कुदरत वाले अते अकाल खुदा ए सचमुच सही अते योग है मुक्ति पाउण दा राह है कि असी हर वेले अते हर ता यीशु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरा धन्नवाद करिए। सारे नबिया ने उसकी आमन दा भविकवाणी कीतिया कुवारी मां ने अता प्यार नाल उसनु अपने कुक विच तारण कीता। यूहन्ना बपतिस्मा देण वाले ने जो उस दियां राह तैयार करन वाला सी उसके आउण उत्ते उसकी जान पछाण कराई। जिवें असी उसके जन्म के जश्न मनाउण की तैयारी करते हाँ मसीह सानू खुशी नाल पर दिंदा है तां जो जदों शान विच आवे तो वह सानू हैरत भरे दिलां नाल जागदे होए प्रार्थना कर दिया उसकी उस्तत विच रुचि आवे के इसलिए फरिश्तियां ते महाफरिश्तियां अते सारे सुरगीय लश्करां नाल मिल के असी तेरी महिमा दे गीत गाउंदे होए ए ऐलान करदे हां। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर ओ पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर प्रभु तू सचमुच पवित्र है अते सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे। तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही अते रूह पाक दी कुदरत नाल तू सारे संसार नू जीवन बख्शदा अते पाक करदा है।
तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठी करता रहा है ता जो चढ़ते सूर्य तो लेके लेंदे तक एक शुद्ध कुरबानी तेरे पवित्र नाम दे ले चढ़ाई जावे। इसलिए प्रभु असी हलीमी नाल तेरे अगे मिन्नत करते हाँ कि अपनी मेहर दे नाल उही रूपाक दे राही इना नजरानियां नु पवित्र कर जो असी तेरी पाख हजूरी विच लेके आए हाँ ता जो ये तेरे बेटे साढ़े प्रभु येसु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे जिस दे हुक्म नाल असी ना पैदा नु मनाउंदे हाँ। जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी ली अते तेरा धन्यवाद कर दिया बरकत दी रोटी तोड़ी अते अपने चेले आन दी यह कहिंदे होए तुसी सारे यह लवो अते इस विचों खाओ क्यों जो यह मेरा बदन है जड़ा तुहाडे लई कुरबान किया जाएगा। ऐ मेरी प्रभु ऐ मेरी खुदा इसे तरह भोजन करन दे बाद उसने प्याला लिया तेरा धन्यवाद कर दिया बरकत दीती प्याला अपने चेले आन दिता यह कहिंदे होए तुसी सारे ऐ लवो अते इस विचों पीवो क्यों जो ए मेरे लहू दा प्याला है नवे अते सदीवी नेम दा लहू जो तुहाडे अते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफी लई वहाया जावेगा मेरी याद विच ए करिया करो। ए मेरी प्रभु ए मेरी खुदा ईमान दा पेद हे प्रभु यीशु तू अपनी सलीब दे जी उठण देना सानू मुक्त कीता इसलिए प्रभु असी तेरे बेटे दे मुक्तिगारी दुख भोग उसते जलाली जी उठन अते सुरग विच चढ़ जाण दी यादगारी मनाउंदे हाँ अते उसते दूजी वारी आउण नूं उड़ीकदे होए तेरा धन्नवाद करदियां ये जीउंदी अते पवित्र कुरबानी तेनूं चढ़ाउंदे हाँ। असी बेनती करदे हाँ कि तू अपनी कलिसियां दे चढ़ावे उत्ते नज़र कर अते इस कुरबान होए लेले नूं पछाण जिस दी कुरबानी तो राजी हो के तू साड़ा अपने नाल मेल कराया है बख्श दे कि असी तेरे बेटे दे बदन अते लहू नाल रजाए होए अते उसे रूपाक नाल भरपूर हो के मसीह दे विच एक शरीर अते एक रूह बन जाइए ओ सानू तेरे लिए एक सदीवी नजराना बनावे तां जो असी तेरे चुनिया होया नाल खास करके तन कुवारी मरियम खुदा दी मान दे नाल उसे कुवारी दे मुबारक वरसंद यूसफ दे नाल तेरे तन रसूलां नाल तेजस्वी शहीदां नाल अते तेरे सारे संतां नाल उन्हां दे विरसे दे वारिस बन जाइए। इन्हां वल्लों तेरी हजूरी विच लगातार कीती जाण वाली सिफारिश दी यकीनी मदद उते असीं भरोसा रखदे हाँ। ए प्रभु असीं इह बेनती करदे हाँ कि साडे मुढ मिलाप दी इह कुरबानी सब दुनिया दी शांति अते मुक्ति दे लई असरदायक होवे तो कृपा करके इस धरती उत्ते फैली अपनी यात्री कलिसिया अपने सेवक साडे संत पापा फ्रांसिस साडे बिशप फ्रेंगो अते बिशप एग्नेलो कुल दुनिया दे बिशपा पुरोहिता अते सब लोगों जिन्हों तू अपना बना लिया है ईमान अते प्यार विच मजबूत बनाउण दी मेहरबानी कर कृपा करके इस परिवार दीआं प्रार्थनावां नूं कबूल कर जिसनों तू अपने सामने सदन की मेहर कीती है। ए दयालु बाप संसार पर विच किलरे होए अपने सारे बच्चियां नूं अपने कोल इकट्ठे करन दी कृपा कर साडे मोए होए भैण भरावां अते उन्हां सारियां नूं जिहड़े तैनूं कुछ कर दिया इस संसार विचों चलाना कर गए हैं मेहर नाल अपने राज विच दाखल कर उत्ते असी तेरी वड्डी शान दी खुशी विच सदा निहाल रहण दी उम्मीद रखदे हाँ
साढ़े प्रभु येशु मसीह दे राही जिस दे राही तू दुनिया नू हर चंगी दात बख्शदा है। उस दे राही अते उस दे नाल अते उस दे विच एक उदा पूरी कुदरत वाले बाप रूपाक तीयगदा विच सब जलाल अते वडियाई तेरी ही है सदा तोम सदा तीकर आमीन। आओ असी सारे मिलके अपने मुक्तिदान दा प्रभु येशु मसीह दे अगे प्रार्थना करिए अते आके आए साडे बाप जिहड़ा तू आसमान ते है तेरा नाम पाक मन्या जावे तेरा राज आवे तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे साडी रोज रोटी अज सानू दे साडी कसूर सानू माफ कर जिस तरह से अपने कसूरवारां नू माफ करदे हां प्रभु असि प्रार्थना करते हाँ सब बुराई तो सानू बचा अपने रहम नाल साडे दिनां विच शांति दे तां जो तेरी दया की मदद नाल असि हमेशा गुनाह तो मुक्त रहीए अते हर मुसीबत तो सुरखियत रहीए जिवें मुबारक उम्मीद रखते हुए असि येशु मसीह साडे मुक्ति दाते दे आउन दी उड़ी कर दे हां क्यों जो राज कुदरती जलाल युग युग तेरा ही है। ए प्रभु येशु मसीहा तू अपने रसूलान वाकिया मैं तुहानु शांति दिंदा हां अपनी शांति मैं तुहानु प्रदान करदा हां तू साडे गुनाहां नू नहीं सगो अपनी कलिसिया दे मान नू वेख अते उसनु अपनी मर्जी मुताबिक शांति अते एकता प्रदान कर तू जो जीउंदा ते राज करदा है सदा तोम सदा तीकर आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे सारेयां दे नाल होवे अति तुहाडी रूह नाल भी होवे असीं आपो विच शांति दा सलाम देईए। अलीली खुदा दी तू जिहड़ा दुनिया दी गुनाह चुक लैंदा है साडी उत्ते दया कर। अलीली खुदा दी तू जिहड़ा दुनिया दी गुनाह चुक लैंदा है साड़ी उत्ते दया कर। अलीली खुदा दे तू जिहड़ा दुनिया दी गुनाह चुक लैंदा है सानू शांति दे। देखो खुदा दा लेला इहनू वेखो जिहड़ा संसार दे गुनाह चुक लैंदा है तन है जो लेले दे भोजन दे लई सदे गए हैं। ए प्रभु मैं इस योग्यता नहीं हां फिर तू मेरी शत थले आवे पर इक ही शब्द आक ता मेरी रूह चंगी हो जावेगी। दुआ पाक्ष रक्त लैण तो पहला ऐ मुबारक मरियम तेरा प्यारा बेटा रोटी दे रूप विच साडे दिलां विच आउण वाला है साडे लई दुआ कर तां कि असी भी तेरे वांग उस नूं मन्नीए अते प्यार करिए। ऐ संत यूसुफ जिस तरह तू मसीह नूं पालिया उसे तरह सानू भी उस दी सेवा करनी सिखा आमीन। झूलिया झूलिया यीशु ने से नया सिलसिला हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया हालेलुया
वेखो प्रभु अपनी शक्ति नाल आवेगा अते अपने सेवकां दियां अखां नूं रोशन करेगा। असी प्रार्थना करिए। यह प्रभु असी तेरी दया लई मेहनत करदे हां कि यह इलाही कुरान सानू साडियां गलतियां तो शुद्ध करके आउण वालियां ईदां लई तैयार करे। साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही आमीन। प्रभु तुहाडे सारयां दे नाल होवे अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। अपने सिर झुकाओ ते खुदा दे आशीष दे लई दुआ करो। पूरी कुदरत वाले खुदा बाप अते बेटा अते रूह पाक तुहान बरकत देवे आमीन। प्रभु नूं प्यार करन लई अते उसकी सेवा करन लई शांति विच जाओ। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर याद कर अनहद मिले बान कुआरी मरियम पर कदी नहीं सुनया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदियां तेरी मदद चाहुंदियां तेरी सिफारिश मंगदियां तेरे तो खाली क्या होवे। ऐ कुआरी कुआरियां दी अति मेरी मां इस तसल्ली नाल मैं तेरे कोल नस के आउंदी हां तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदी हां। प्रभु का धन्यवाद करूंगा यीशु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा।